क्या सोच रही हैं? एक माँ क्या सोच सकती है बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। सोचा था तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, लेकिन जिस सिचुएशन में तुम्हारा निकाह हुआ ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। जिंदगी में जो हम अक्सर सोचते हैं वैसा नहीं होता, जैसा हम नहीं सोचते वैसा हो जाता। वो बैठा है ना ऊपर, उसकी प्लानिंग्स और टाइमिंग्स एकदम परफेक्ट होती हैं। लेकिन तुम्हारे डैड का क्या, उन्हें जब पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। वहां मैं हूं ना, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप बस अपने रूम में जाएं और अब आराम करें। गुड नाइट। गुड नाइट। चुप। देखना वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, मेरी बद्दुआ है उसको, बद्दुआ है। चुप कर जाओ, सबके जाओ, चुप कर जाओ। अमीरजान, देखिएगा मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते माही, मैंने जितना दिल दुखाया है ना सारा का, अगर उसकी आ लग गई तो? नहीं लगेगी आ, इसमें तुमने या किसी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, ये तो किस्मत में लिखा था, किसका जोड़ किसके साथ लिखा है ये तो सब पहले से तय। इसमें तुम मैं या कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ जानती हूँ मैं अम्मी जान, लेकिन फिर भी बहुत दिल दुखाया सारा का, बहुत बुरा किया उसने मेरे से, बहुत बुरा किया। अच्छी तरह जानती थी मैं पसंद करती हूँ अली को, मैं प्यार करती हूँ अली से, लेकिन कार करने के बजाय निकाह कर लिया उसने। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो लड़की अखबार के काबिल नहीं है, देखा उसने कैसे तोड़ा तुम्हारा भरोसा, तुमसे छीन लिया तुम्हारे अली को। अली सिर्फ मेरा है, उसने निकाह कर लिया तो क्या हुआ, है वो सिर्फ मेरा। इतनी आसानी से अपना हक, अपनी खुशियां उसकी गोद में नहीं डालने वाली मैं। मेरा अली, मैं हम दोनों के बीच में से हट जाऊंगी अमीरा। क्या बीच में से हट जाना इतना आसान नहीं है? तुम उसके निकाह में हो, पूरी जिंदगी का सवाल है। तो कोई गेम थोड़ी है कि तुमने पार्टनर चेंज कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। भूल कर भी कभी ये बात जबान पर मत लाना। मॉम, आप अभी तो यहीं सो ही नहीं जाके? तुम्हारे डैड के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। पता नहीं इस सब के बारे में उन्हें पता चलेगा तो किस तरह रिएक्ट करेंगे। मॉम, आप डैड से कुछ नहीं कहेंगे, डैड को मैं हैंडल कर लूंगा। क्या हो गया है मॉम? मैं हूं ना, संभाल लूंगा मैं डैड को भी और उनके गुस्से को भी। जस्ट रिलैक्स, आप प्लीज अपने रूम में जाएं और आराम करें। जाएं मॉम, आप आराम करें। हाय जाना तेरा गम।